भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और अपने सांसद जी के लिए ही हम चुनाव बीजेपी सरकार ने ही चलाया। अब वो कार्य करके महिलाओं को अपने पैरों खड़े होने का मौका दे रही है। जो सरकार चल रही है उन्होंने बहुत ही योजनाएं दी हैं। लाभ मिल रहा है, चाहे किसान को हो, किसान सम्मान निधि मिल रही है, बीमा मिल रहा है। अब क्या है, ये जब से सरकार आई है तो हम लोग खुले आम रातों दिन कहीं भी जा सकते हैं, हमें कोई भी कहीं भी डर नहीं लग रहा है। लोकसभा चुनाव जिस तरह से अलग अलग राज्यों में मतदान की शुरुआत हो चुकी है, वोटिंग चल रही है, और ऐसे में क्योंकि देखिए जो मतदाता है वो अपने मुद्दों को लेकर मतदान करने का मूड बनाए हुए है, और इस बार के लोकसभा चुनाव इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि तमाम तरह के मुद्दे रहे हैं। दो बार भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र रखा है उनमें से दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि जितने भी वादे किए गए हैं वो पूरे किए गए हैं, और उन्हीं में से एक है महिलाओं को अधिकार दिलाने का, क्योंकि आधी आबादी को साधने के लिए बरसों से लंबित पड़ा हुआ जो बिल था उसे पारित किया गया है और महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया गया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना है। वहीं अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो जनता को साधने के लिए, खास तौर पर आधी आबादी को साधने के लिए इस बार घोषणा पत्र में एक अलग सी जगह दी गई है, और इन्हीं बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे कि आधी आबादी जो हमारी देश की है वो क्या सोचती है, और इसीलिए हम इस वक्त बांदा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं जहां की महिलाओं से जानेंगे कि आखिर वो लोग क्या सोचती हैं, इस बार क्या मूड बनाया है और बांदा की क्या हवा और क्या मिजाज है। आप सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप देश की आधी आबादी है और महिला होने के नाते आपने इस बार क्या मूड बनाया है, क्या मन बनाया है? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और अपने सांसद जी के लिए ही हम चुनाव के लिए लगे हुए हैं, उन्हीं को जिताएंगे। नहीं देखिए, हम तो अपने स्वार्थ और हित के लिए, जो सरकार हमारा सुरक्षा और हमारे लिए कुछ करके दिखाएगी उसी के साथ हम जाएंगे। हमने बहुत ही सरकारें देखी, आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार बहुत लंबे समय तक कार्य किया है पर उसमें कहीं भी महिलाओं के चिंतन नहीं किया है कि हमारी बेटियां पढ़ सके, वो स्वावलंबी बन सके। महिलाएं भी जो रोजगार थी वो इस समय आपने देखा होगा कि ग्रामीणों में सहज समूह चलाए गए तो फिर बीजेपी सरकार ने ही चलाया। अब वो कार्य करके महिलाओं को अपने पैरों खड़े होने का मौका दे रही है और वो समझ रही है कि ये आधी आबादी ही एक शक्ति है। पहले तो इसको दूसरी जो सरकारें थे वो नथिंग मानते थे, वो नहीं मानते थे कि ये महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। उनको महिलाओं की ताकत की और ऊर्जा का कोई पता नहीं था। आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें लड़कियां हमारी काम नहीं कर रही हैं। पढ़ लिख करके से ज्यादा भर्तियों में जा रही हैं, डीएम एसपी कमिश्नर बन रही हैं, तो महिलाएं बन रही हैं, हमारे देश की बेटियां बन रही हैं। बिल्कुल, आपने क्योंकि आप भी एक महिला हैं और आधी आबादी का आप लोगों को दर्जा मिला है, ऐसे में क्योंकि जिस तरह से बीते 10 सालों से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें क्योंकि इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की धरती में मौजूद हैं, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने की बात और दावे किए जा रहे हैं, आप किस तरह से क्या बदलाव देख रही हैं, क्या महसूस करती हैं सुरक्षा के मुद्दे पर अगर बात करें? सुरक्षा के मुद्दे से कहूँ तो मैं जब से देख रही हूँ यहाँ लड़कियों को बचपन से ही यानी पेट से ही होते उन सरकार ने हमारी आने जो सरकार चल रही है उन्होंने बहुत ही योजनाएं दी हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पहले हम लोग लेडीजें नहीं निकलते थे, रात में कहीं जाएं तो हम लोगों को डर लगता था। अब क्या है, ये जब से सरकार आई है तो हम लोग खुले आम रातों दिन कहीं भी जा सकते हैं, हमें कोई भी कहीं भी डर नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस सरकार में क्या है, लेडीजों को स्वावलंबी बनने की ताकत मिल रही है, वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। आज तक जो 75 सालों में जो नहीं हुआ वो अब इन सालों में हो रहा है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि हमारी यही सरकार ही आगे चल के काम करे जो कि सारी महिलाओं को सुरक्षा मिले हर क्षेत्र में। आज महिलाएं क्या नहीं कर सकती आप बताइए, महिलाओं नीचे से लेके ऊपर तक, यहाँ सकती महिलाएं आज प्लेन चला रही हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, तो महिलाओं के लिए बहुत
कहना चाहिए बहुत सरकार सहयोग करे काम करे। अगर महिलाओं के प्रति जो योजनाएं चलाई गई हैं, आप लोगों में से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें उन योजनाओं का लाभ मिला है? हम सभी को मिला हुआ है। मुझे लग रहा है कि इस भाजपा सरकार में, यानी हमारे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है अगुवाई में, जो सम्मान और जो योजनाएं सबके लिए, मतलब जो है मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी व्यक्ति योजनाओं से कहीं बिलग है। सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है, चाहे किसान को हो, किसान सम्मान निधि मिल रही है, बीमा मिल रहा है, और लड़कियों के लिए बहुत सारी, मतलब गर्भ से ही लड़कियों के लिए कन्या सुकन्या योजना, और तमाम उनकी शादी के लिए, मतलब जो सम्मान महिलाओं को इस बीजेपी में मिला है वो और किसी सरकार में। विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जाते हैं कि महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है इस सरकार में, क्या कहेंगे इसे? ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है इस सरकार में। सबसे ज्यादा शायद सम्मान किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। नरेंद्र मोदी जी के भाषण को आप सुनिए तो उनके भाषण में हमेशा बोला जाता है कि दीदियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। अच्छा, इस बार बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पर किसकी बयार बहती हुई नजर आ रही है आप लोगों को? क्योंकि तीन प्रत्याशी हैं, अगर तीनों के बारे में अलग अलग चर्चा की जाए तो क्या लग रहा है किसके पक्ष में माहौल बन रहा है? नहीं, बीजेपी के पक्ष में बन रहा है। अब मोदी जी की सरकार बनेगी, हम सब लोग एक तरफ से जितनी महिलाएं हैं सब मोदी जी का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने अपना परिवार हमको माना तो मोदी जी हमारा परिवार है, अपने परिवार के साथ जाएंगे। इतना कार्य किया है और आगे भी वो इतने कि सरकार को स्वावलंबी बनाने का देते हैं। और 365 दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के बारे में ना सोचे, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा महिलाएं वोट करेंगी। वोट प्रतिशत भी महिलाओं का सबसे ज्यादा होगा। हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे, बहुमत से बनाएंगे। हर वर्ग की महिलाएं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, वो हर वर्ग का विकास करते हैं। और हम हर वर्ग की महिलाएं उनको वोट दे करके, अपना आशीर्वाद दे करके इस बार भारी मतों से और सरकार बनाएं। लेकिन अगर, क्योंकि इस क्षेत्र की बात करें तो कई जगहों से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी, और जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, उनकी थोड़ी सी नाराजगी है। क्या एंटी इनकम्बेंसी इस बार एक बड़ा फैक्टर बन सकता है इस बार के चुनाव पे? नहीं, ये कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकारों में अभी तक जितने भी गांव हैं, मजरे हैं, सबको सड़क से जोड़ने का, शहर से जोड़ने का कार्य शायद किसी ने किया तो बीजेपी सरकार ने किया है। महिलाओं को कोई भी परेशानी हो, आप एम्बुलेंस बुलाएंगे 10 मिनट में आपके घर पहुंच जाएगी। और जन्म से लेकर के बेटी के विवाह तक की जिम्मेदारी हमारे देश के मुख्यमंत्री जी लेते हैं और निभाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जब बात होती है सरकार बनने की तो ऐसे में इस बार एनडीए की ओर से एक नारा दिया गया है कि अब की बार 400 पार, लेकिन समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों की ओर से इसे एक जुमला बताया गया है, इसे किस तरह से देख रही हैं? भाई विपक्षी दल तो अपनी बात कहेंगे ही हैं, लेकिन हम तो वो चाहेंगे ना कि जो हमारी सरकार महिलाओं के लिए कर रही है, हैं, हम तो उन्हीं की बात करेंगे जो महिलाओं के हित की बात करेंगे। और मोदी जी हैं हमारे जो महिलाओं के हित की बात करते हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या नहीं किया है? महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए हैं कि महिलाएं मतलब धुआं रहित रहें, हैं वो मतलब चूल्हा ना जलाएं, और आवास दिया है महिलाओं को। क्या लगता है कि महिलाओं को असल में उनका अधिकार मिला है जब से सरकार का गठन हुआ है, या इससे पहले की सरकारों में ज्यादा सम्मान मिला? नहीं, सबसे ज्यादा इसी में मिला है। सुरक्षा मिली है तो इसी में हम लोगों को मिली है, जितना हर एक चीज की सुविधा हमें इसी में मिली है, और बाकी में हमें कुछ नहीं मिला। जितना हम मोदी जी को और उनके जितने उन्होंने कार्य किए, हम बहुत खुश हैं, सारी महिलाएं बहुत खुश हैं।